बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। सो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड वी हैव डिस्कस्ड हाउ दिस ऑक्टल नंबर सिस्टम आर कन्वर्टेड इनटू डेसिमल इन देयर इक्विवेलेंट डेसिमल बाइनरी एंड हेक्सा एंड वाइस वर्सा। Then we have covered BCD code, grey code, access code हमने cover नहीं किया था, so हम आगे देखेंगे उसको भी convert उसको भी हम cover करेंगे। उसके बाद हमने alphanumeric code ASCII का जो 8 bit आया था उसके बारे में discuss किया था। उसके बाद फिर हमने error detection using parity bit वो चीज़ discuss की थी। so इस lecture में हमने क्यों लॉजिक गेट्स के अब ये जितनी भी चीज़ें हम पीछे कवर करके आए इनको हमने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर हमने किस तरह से हैंडल करना है। सो उसके लिए यूज़ होते हैं लॉजिक गेट्स। सो लॉजिक गेट्स में जो बेसिक चीज़ें वो हम देखेंगे कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट सैम्पल क्या होते हैं, यूनिक फंक्शन क्या होते हैं, ट्रूथ और फंक्शन टेबल क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है और टाइमिंग डायग्राम क्या होती है उस सर्किट की। ये चीज़ें अब हमने कवर करनी है। सो फर्स्ट हम आते हैं एंड गेट के ऊपर। ठीक है, एंड ऑपरेशन के लिए हम जो सिस्टम में यूज़ करते हैं वो एंड गेट यूज़ करते हैं। सो इस एंड गेट में आपके पास एक आउटपुट होगा और इनपुट जो हैं वो आपके पास मल्टीपल हो सकती हैं, मीन्स टू इनपुट सिस्टम भी हो सकता है, थ्री इनपुट हो सकता है, फोर इनपुट हो सकता है और मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो गेट्स हैं वो जो आप डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हैं एंड गेट को, वो इस तरह से शो कर सकते हैं। जो फर्स्ट आपके पास सिंबल है वो एंड गेट का सिंपल सिंबल है जो आप यूजली यूज़ करते हैं। दूसरा है वो ब्लॉक है, बेसिकली उस ब्लॉक को आपने यूज़ किया, उसकी दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है और उसके ऊपर आपने एंड का साइन डाल दिया कि ये ब्लॉक जो है वो एंड का ऑपरेशन कर रहा है। थर्ड जो है वो ये है कि आपने ये जो और का सिंबल है, बेसिकली आपने सिंपल ये करना है कि उसको जो आपके इनपुट्स हैं उनको नॉट करना है, नॉट मीन्स कि उनको इन्वर्ट करना है और फिर आउटपुट को भी इन्वर्ट कर देना है, तो वो भी बेसिकली आपके पास एंड गेट बन जाएगा। सो बेसिक जो हम यूज़ करेंगे एंड गेट के लिए सैम्पल वो फर्स्ट वाला सैम्पल। अच्छा, एंड गेट का फंक्शन क्या है? सो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या एफ इज इक्वल टू जेनेरिक फॉर्म में ए डॉट बी डॉट सी डॉट सो ऑन अप टू एन नंबर्स। सो लेट्स से आपके पास इनपुट पे दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, ए बी आपके पास इनपुट्स हैं और एफ आपके पास आउटपुट है। सो ट्रुथ टेबल इसका किस तरह से बनेगा? फर्स्ट आप 0 0 करेंगे, फिर 0 1 1 0 1 1, मीन्स ये 0 से लेके 3 तक आपके पास डेसिमल में, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में नंबर्स हैं। सो ये बेसिकली 0 1 2 3 है। सो जब आपके पास ए और बी दोनों इनपुट्स 0 होंगी तो आपके पास आउटपुट क्या होगा? एंड के केस में 0 होगा। मल्टीप्लिकेशन आप अपने जहन में रखें, 0.1 आपके पास 0 होगा, 1.0 0 होगा और 1.1 1 होगा। तो ये बेसिक जो है ऑपरेशन है एंड गेट का। सो ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास दो इनपुट्स हैं ए और बी और नीचे एफ जो है वो आपके पास आउटपुट है। सो फर्स्ट केस में देखें आपके पास दोनों जो हैं वो मैक्सिमम पीक पे हैं, तो उन दोनों की वैल्यू, ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। सो एफ की वैल्यू एंड के केस में क्या आएगी? 1 आएगी। और ये जो आपके पास टिपिकल आउटपुट आएगी ये टाइम T0 के लिए आएगी। नेक्स्ट जब साइकिल में जाएगा, क्लॉक साइकिल में जब सिस्टम जाएगा, तो इसमें देखें कि आपके पास ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट आपके पास 0 आएगी और टाइम होगा T1। उसके बाद आप थर्ड में जाएंगे तो आपके पास ए 1 है और बी 0 है, तो वैल्यू आपके पास 0 आएगी। फोर्थ साइकिल में जाएंगे तो आपके पास
ए वन है, बी वन है और एफ आपके पास वन आएगा। उसके बाद फिफ्थ साइकिल में जाएं तो ए ज़ीरो है, बी वन है तो ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट केस में ए वन है, बी ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो आएगा। इसी तरह नेक्स्ट केस में आपके पास ए ज़ीरो है और बी आपके पास वन है, आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। तो इस तरह से आपने टाइमिंग डायग्राम बनानी है किसी भी गेट की। आगे भी जो भी गेट आएंगे उनकी भी टाइमिंग डायग्राम इसी तरह से बनेगी, लेकिन फंक्शनैलिटी उसमें डिपिक्ट कर रही होगी, आप उसको देख सकते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से आपने टाइमिंग डायग्राम को बनाना है। सो और गेट आपके पास ये आ गया, इसमें भी आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं और एक आउटपुट होगा। सो अगर आप जो बेसिक साइन यूज़ होता है वो फर्स्ट वाला साइन है, दूसरा ब्लॉक साइन है। ब्लॉक के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर देंगे कि इसकी वैल्यू ये और के लिए यूज़ हो रहा है, और थर्ड जो है वो आपने सिंपल ये किया है कि वैल्यू को नॉट कर दिया, मींस कि उनको इन्वर्ट कर दिया है। अगर वन था तो ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो था तो वन कर दिया, और जो उसका आंसर आएगा वो भी इन्वर्ट हो जाएगा। उसको भी आप इन्वर्ट करेंगे तो आप ये वाला साइन भी और गेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस जो आगे सर्किट्स में यूज़ करेंगे और गेट के लिए वो फर्स्ट वाला साइन यूज़ करेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि हम इस तरह भी साइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, बेसिकली ये बूलियन ऐड फंक्शन है, ठीक है। ये गेट जो है वो एडिशन करता है। तो इसी तरह आपने ट्रुथ टेबल बना लिया, ए बी एफ दो इनपुट हैं आपके पास, एक आउटपुट है। तो 0 0 होगा 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1 ही आएगा। मींस कि जब आपके पास इनपुट दोनों 1 होंगी या एक कोई भी एक इनपुट 1 है तो आपका आंसर 1 आएगा, एल्स आपका आंसर 0 आएगा। सो इसकी टाइमिंग डायग्राम आप देख लें कि आपके पास फर्स्ट साइकिल में, साइकिल 0 में आपके पास ए 1 है, बी 1 है तो एफ 1 आएगा। दूसरे केस में आपके पास बी वन है तो वन आएगा, एफ वन आएगा, और इसी तरह नेक्स्ट केस में ए वन है, फिर ए वन है, फिर ए ज़ीरो है, बी वन है, और फिर ए वन है और बी ज़ीरो है, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आपके पास एफ का वो वन आएगा। तो आपने इस तरह से इसकी टाइमिंग डायग्राम बनानी है। सो नॉट, नॉट क्या करता है, इसका एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। जो भी इनपुट इसमें आएगी ये उसका सिंपली इन्वर्ट कर देगा। सो अगर ज़ीरो है तो उसको वन कर देगा, और वन है तो उसको ज़ीरो कर देगा। सो एफ इज इक्वल टू ए डैश, हम इसको लिख सकते हैं एज ए फंक्शन। सो ये बेसिकली जो फंक्शन है हमारे पास वो इन्वर्ट फंक्शन है। तो इसकी टाइमिंग डायग्राम सिंपल है, आपके पास एक इनपुट है, एक आउटपुट है। अगर एक इनपुट 1 है, फर्स्ट केस में देख ले 1 है तो एफ 0 होगा, सेकंड साइकिल में देखें ए 0 है तो एफ 1 होगा, अगले साइकिल दोनों में ए 1 है तो एफ जो है वो 0 होगा, इसी तरह अगले में एफ ए 0 है तो एफ 1 हो गया, इसी तरह अगले में ए 1 है तो एफ 0 हो गया। सो सो ऑन कंटिन्यूसली इस तरह से ये साइकिल चलेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, इन्वर्ट करता है, इन्वर्ट फंक्शन है, नॉट गेट जो उसको रिप्रेजेंट करता है। सो इसकी एप्लीकेशन क्या है एंड गेट की, एंड गेट की एप्लीकेशन है इनेबल और डिसेबल डिवाइस, काउंटर काउंट्स व्हेन इट रिसीव पल्स। तो ये आपके पास क्लॉक पल्सेस हैं, ठीक है, क्लॉक पल्सेस हैं, और ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम जो बनी हुई है, जो ब्लॉक बना हुआ है, ये किसी काउंटर का सर्किट है। अब जो क्लॉक इसमें जा रही है वो बेसिकली क्या है, वो इसको इनेबल या डिसेबल करेगी। अगर वन है तो इनेबल कर देगी, ज़ीरो है तो डिसेबल कर देगी। आप नीचे उसकी टाइमिंग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वन है तो इनेबल है, ज़ीरो है तो डिसेबल है। सो ए बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये काउंटर काउंट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस काउंटर के अंदर ये जो एरो का साइन आपको बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें क्लॉक जो इसकी है, क्लॉक पल्स जो है वो इस गेट से उसको आउटपुट जो है वो उस जो इस गेट की आउटपुट है वो उसको इनपुट मिल रही है, और वो वैल्यू किस पे डिसाइड हो रही है, वो ए और बी की वैल्यू पे डिसाइड हो रही है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं इस तरह की सर्किट्स के अंदर। सो आर गेट की एप्लीकेशन है कार डोर ओपन अलार्म, ठीक है।
सो आपने देखा होगा कि बस कार्स के अंदर जब आप एक गेट को खोलते हैं तो वो अपने डैश के अंदर वो उसको डिपिक्ट कर देता है कि फलाना डोर जो है वो ओपन है। इस आर के अंदर चार इनपुट्स आ रही हैं चारों डोर्स की। एक भी डोर उसमें से ओपन होगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, जैसा कि अक्सर गाड़ियों में होता है। नॉट गेट की एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली आप क्या करते हैं, वंस कम्प्लीमेंट, आपके पास नंबर है कोई 1100 1010, तो आपने उसके आगे नॉट गेट लगा दिया और आपने उसका इन्वर्ट ले कम्प्लीमेंट ले लिया 0011010। इस तरह से हम गेट्स के अंदर जो है वो करते हैं इन्वर्जन करते हैं सर्किट कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है उनकी एंड गेट की, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और गेट की है पहली जो है वो एंड गेट की है और उसकी अल्टरनेट जो है वो एंड गेट की दी हुई है। इन्वर्ट साइन लगा हुआ है और उसके बाद आउटपुट पे भी इन्वर्ट साइन लगा हुआ है। इसी तरह और गेट है और फिर वो एंड के को इन्वर्ट करके आउटपुट पे भी इन्वर्ट कर रहा है। तो ये दोनों जो है आपस में इक्विवेलेंट हैं, दोनों साइन जो है एक साइड पे जो है। नैंड गेट, अब नैंड गेट क्या करता है, इसके सिंबल से आपको नज़र आ जाएगा जो फर्स्ट वाला सिंबल है कि दो इनपुट्स आ रही हैं उसको ये एंड कर रहा है और एट द एंड उसको नॉट कर रहा है और नॉट करके आउटपुट दे रहा है। नैंड को नॉट, एंड को आप अगर नॉट करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, नैंड गेट आ जाएगा। इस पे भी मल्टीपल इनपुट्स हैं, आउटपुट सिंगल आउटपुट आएगी। नैंड गेट फंक्शन क्या चीज़ है, आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है नॉट एंड फंक्शन। एंड करेंगे और उसके बाद उसको उसका नॉट ले लेंगे। ए डॉट बी नॉट, ए डॉट बी डैश, ये इसका फंक्शन है। लेट से आपके पास दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, तो जब आपकी इनपुट इन एनी केस अगर एक भी बिट आपकी ए या बी में से जीरो है तो आपका आउटपुट वन आएगा। अगर दोनों इनपुट्स आपकी वन है तो आपका आउटपुट जो है वो नैंड केस में जीरो आएगा। और ये सिंपली ये ऑपरेशन हो रहा है कि ए और बी का एंड ले रहे हैं आप और उसके बाद उसका नॉट ले रहे हैं। 0 0 0 है और उसका जब नॉट लेंगे तो वो बन जाएगा वन। 0 1 0 एंड के केस में और जब उसका नॉट लेंगे तो वो बन जाएगा वन। 1 0 0 उसका जब नॉट लेंगे वो बन जाएगा वन। 1 1 0 जब उसका सॉरी 1 1 1 जब उसका नॉट लेंगे तो वो बन जाएगा जीरो। इसी जो है टाइमिंग डायग्राम भी बनेगी, जब आपके पास दोनों वन है तो आपके पास आंसर क्या है, जीरो आएगा और एल्स हर किसी केस में आपके पास आंसर वन आएगा नैंड के केस में। नैंड का यूनिवर्सल गेट आप देख सकते हैं कि इसके जो बना सकते हैं यूनिवर्सल गेट इस तरह से कि ये हुआ हुआ ये है कि ये जो पहला वाला सिंबल है ये आपके पास नॉट गेट का सिंबल है। अगर आपके पास कोई भी बिट्स हैं, एक बिट आ रही है पीछे से, अब दोनों उसके इनपुट्स को उस नैंड गेट के इनपुट्स पे वो इनपुट इस तरह से दे देंगे ज्वाइन करके, तो आउटपुट आपके पास जो आएगी देन दिस गेट विल बी इक्वल एंड टू नॉट गेट। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर केस है जब आप एक इनपुट को ज्वाइन करके उसके दोनों इनपुट पे दे देंगे और जो आउटपुट आएगी आपके पास वो सेम एज होगी नॉट के केस में। सिंपली आप नॉट लगा दें या ये वाला गेट लगा दें तो आंसर आपका सेम आएगा। दूसरा केस ये है कि दो फंक्शन आप इसके बना सकते हैं। आपके पास एक केस में आप देख सकते हैं कि नैंड हो रहा है आपके पास, ठीक है, F1 आपके पास क्या है, नैंड का फंक्शन है, और जो F है वो आपके पास बन गया क्या चीज़, आपके पास सिंपली एंड गेट बन गया। जब आप उसके आप देख सकते हैं कि एंड गेट है
और दो इनपुट्स आ रही हैं नंबर गेट नंबर वन को एंड को, और वो नॉट हो रही हैं। ये बेसिकली नैंड गेट लगा हुआ है और इसी की इनपुट जब जा रही है आगे तो वो ज्वाइन होके दूसरे नैंड गेट की इनपुट्स पे आ रही है और वो नॉट हो रही है। अब ये दोनों जो गेट हैं, ये नीचे वाली जो डायग्राम है और ऊपर वाला जो सैम्पल है, जो नीचे वाले दो सैम्पल्स जुड़ जुड़ के एक डायग्राम बन रही है, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों सेम चीज़ हैं। तो इस तरह से भी आप गेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप देखें कि और है, बेसिकली ये और का सिंबल है। सो और की मदद से हमने नैंड गेट की मदद से हमने और गेट अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे कि दो नैंड गेट हैं नंबर वन एंड नंबर टू, उस पे एक इनपुट ए वाली आ रही है और वो दोनों उसके इनपुट्स पे जा रही है, और बी वाली जो है वो टू के नैंड गेट टू पे दोनों इनपुट्स पे जा रही है, और जो उसका आंसर आ रहा है वो नैंड गेट थ्री के एक इनपुट पे और दूसरी दूसरे इनपुट पे आ रही है, जो उसका आउटपुट होगा वो इक्विवेलेंट होगा और गेट के। ठीक है, सो नैंड गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है, इसको यूज़ करके आप डिफरेंट गेट्स बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पहले एंड गेट भी बनाया, फिर नॉट गेट भी बनाया, और इस केस में हमने और गेट बनाया। सो अब आते हैं नॉर गेट। नॉर वर्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर का क्या मतलब है, मीन्स नॉट और फंक्शन है ये। सो आपका इसका जो सिंबल है वो फर्स्ट आपके पास गिवन है, और जो बाकी सैंपल्स हैं वो इसके अल्टरनेट सैंपल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। हमें कहाँ पता चलता है, जब दोनों बिट्स जीरो हैं हमारे पास तब हमारा आउटपुट वन होगा, एल्स हमारा आउटपुट जीरो। देख सकते हैं फर्स्ट केस में हमारे पास दोनों आउटपुट वन है, एल्स हमारे पास कोई भी इनपुट, इस दोनों ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे दोनों बिट्स जीरो हैं, तो हमारी टाइमिंग डायग्राम जो एफ फंक्शन है वो हमारा थ्रू आउट जीरो रहे।